क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसको आप फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं। फर्स्ट वी नो अबाउट फॉसिल, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका एक दिन डेथ होता है उसके सरे गले चीज़ को हम फॉसिल कहते हैं, जो कि जिसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं। नेचुरल फेनोमेना के कारण वो प्रिजर्व हो जाते हैं, और वैसे फॉसिल को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। वैसे फ्यूल जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं उनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, और फॉसिल यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। ये फ्यूल के रूप में इनका इस्तेमाल होता है, यानी कि ईंधन के रूप में। कोल जो है वो फ्यूल है, फ्यूल के कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फ्यूल के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। और कोल कैसा होता है, यानी कि पत्थर, कोयला। पत्थर कोयला, इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन। पत्थर की तरह हार्ड होता है एंड ब्लैक इन कलर, कलर में ब्लैक कलर का होता है। यूज्ड इन कुकिंग, ईंधन के रूप में खाना बनाने में भी कोल का उपयोग होता है, कोयला का। थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी कोल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले कोल को स्टीम में बदला जाता है, यानी कि उससे पानी को गर्म किया जाता है, उस स्टीम वाष्प को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। और थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, उस प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के लिए जो ईंधन का उपयोग होता है उसमें हम कोल का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।